नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 हो चुके हैं और अपना तीसरा क्वेश्चन है निम्न दिए गए मान। अपने को यहाँ x का मान दिया गया है और बहुपद दिया गया है और आपको ये ज्ञात करना है कि बहुपद के जो x चर राशि x के मान दिए गए हैं वो उसका शून्यंक है या नहीं। तो सबसे पहले बात आती है शून्यंक। आपको ये पता होना चाहिए कि शून्यंक कहते किसे हैं। अब शून्यंक का मतलब देखिएगा बेटा, बहुपद को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। बहुपद को किससे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स से, जहां एक्स क्या है, एक चर राशि। अब इस बहुपद पी ऑफ एक्स में एक्स का मान रखने पर, एक्स का जो भी मान रखने पर, अगर यह बहुपद जीरो के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो x का वह मान इस बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि कोई बहुपद p ऑफ x है और बहुपद में x का मान कुछ रखने पर अगर यह बहुपद जीरो के बराबर आ जाए तो उसका शून्यंक है, अदरवाइज शून्यंक नहीं होगा। अर्थात मान रखने पर p ऑफ x जीरो के बराबर आ जाए तो उसका शून्यंक है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x आपको कितना दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन यह है कि p ऑफ x बराबर दिया गया है 3x+1 और बेटा x की वैल्यू कितनी दी गई है, -1/3 और आपको x की जगह -1/3 रखना है। अगर यह जीरो के बराबर आ जाए तो उसका शून्यंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिएगा बहुपद में, बहुपद p ऑफ x में x का मान क्या रखने पर, -1/3 रखने पर मैं सीधा ही लिखता हूँ p ऑफ -1/3, जहाँ भी x है वहाँ क्या रख दिया मैंने, -1/3 और यहाँ आपका है 3 × x की जगह क्या रखेंगे, -1/3 और प्लस में हो गया 1, 3 × 3 और -1 को -1 से गुणा किया कितना आ गया, -1/1 अर्थात किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। अतः -1/3 बहुपद का शून्यंक है। देखो बेटा, अगर जीरो के बराबर आ जाए ना, एक्स का मान क्या रखा था, -1/3 और यह बहुपद किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया और जीरो के बराबर आता है तो उसका शून्यंक होता है। अगर जीरो के बराबर नहीं आता है तो शून्यंक नहीं होता है। अब इसके बाद देखिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, p of x is equal to 5x-π और x is equal to कितना दिया गया है, 4/5। इसमें मैं मान रख दूं बहुपद p of x में x का मान 4/5 रखने पर, तो आपका क्या आ गया, p of 4/5 बराबर है 5 × 4/5 - π। अब बेटा 5 × 5 तो हो गया, 4 × 4 - π, तो p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है, नहीं आ रहा है। इसके बराबर भी लिख सकते हो, यह 0 के बराबर है, नहीं है। अतः आप लिखोगे 4/5 बहुपद का शून्यंक नहीं है, ये बहुपद का शून्यंक नहीं है। अगर p ऑफ x 0 के बराबर आ जाए तो बहुपद का शून्यंक है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देखिएगा, इसी का तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x square minus 1। अब बेटा देखो x की पावर कितनी है, 2, तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे,
दो, यहाँ x का मान दिया गया है एक और माइनस एक। अब यहाँ दो दिए गए हैं और बताना है कि या तो ये दोनों है या दोनों नहीं है, या पहला है दूसरा नहीं है या दूसरा है पहला नहीं है। इसमें आपको सुनेंक बताना है। तो सबसे पहले x का मान कितना दिया गया है एक, तो बहुपद में x का मान पहले तो क्या रखेंगे एक रखने पर, तो p ऑफ यहाँ क्या रखूँगा मैं x की जगह एक, आगे आपका एक की स्केयर माइनस एक, तो आ गया एक माइनस एक बराबर आ गया जीरो। इसका मतलब आपका एक तो है, ये शून्यंक है। अब दूसरा मैं बहुपद में क्या मान रखूँगा, बहुपद में चर राशि x की जगह माइनस एक मान रखने पर, अब यहाँ एक की बजाय मैं क्या रखूँगा बेटा माइनस का एक। तो अब आप देखिएगा p ऑफ माइनस का एक, जहाँ भी x है वहाँ क्या रखा दिया मैंने माइनस का एक बराबर माइनस, x है वहाँ माइनस एक लगाएंगे माइनस का एक स्केयर माइनस वन। अब माइनस का एक की स्केयर है मतलब माइनस एक इंटू माइनस एक, घात बोलो समय की विषम, समय तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो गया, तो एक का स्केयर कितना है एक, एक माइनस एक बराबर आ गया जीरो। अतः बहुपद के शून्यंक एक व माइनस एक बहुपद के शून्यंक है। देखो बेटा p ऑफ x जीरो के बराबर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, अतः यह इसका शून्यंक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिया गया है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इंटू में x माइनस टू। अब p ऑफ x दिया गया है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और बेटा यहाँ x के मान दिए गए हैं माइनस एक और दो, और आपको बताना है कि इसमें से दोनों बहुपद के शून्यंक है या इनमें से कोई एक है या कोई नहीं है। तो इसको सोल्व भी कर सकते हो या सीधा ही मान रख सकते हो, एक ही बात है वो। देखिए मैं सीधा भी मान रख के कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करके करोगे तो भी आपका सही होगा। अब सबसे पहले देखिए बहुपद में, सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे बेटा, पहला कितना दिया गया है माइनस का एक, कितना दिया गया है माइनस का एक, तो जहां भी x है वहां माइनस एक रख देंगे, माइनस एक प्लस एक माइनस एक माइनस दो, माइनस एक प्लस एक कितना बच गया जीरो इंटू माइनस तीन, और बेटा आप जानते हो जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा जीरो, मतलब यह है तो आपका शून्यंक है। अब दूसरा क्या मान पुट करेंगे दो, अब मैं यहाँ दो मान पुट करता हूँ तो x की जगह मैंने क्या रखा बेटा यहाँ दो, तो p ऑफ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख दिया दो, अब यहाँ लिखा बेटा मैंने दो प्लस एक इंटू दो माइनस दो, जहाँ भी x है वहाँ दो रखा, तीन इंटू जीरो, किसी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे क्या आएगा जीरो, मतलब कि आपका माइनस एक और दो दोनों बहुपद के शून्यंक है। अगर जीरो के बराबर आता है तो उसका शून्यंक होता है, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो शून्यंक नहीं होता है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ तक आपके प्रश्न हो चुके हैं, ये आपका प्रश्न था चार, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा यहाँ x का मान मैंने कितना रखा माइनस एक बटा तीन, यहाँ कितना रखा चार बटा पाँच, यहाँ कितना रखा एक बार एक और एक बार माइनस एक, और यहाँ क्या रखा माइनस एक और दो। आपको अलग अलग बहुपद दिए गए हैं, जिसका मान जीरो के बराबर आ रखा है वो तो शून्यंक है, और जीरो के बराबर नहीं आता है तो शून्यंक नहीं है। अब अगला देखिएगा प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर है पाँच, इसी का पांचवा प्रश्न देखिएगा। इसी का आपका पांचवा प्रश्न है p ऑफ x, p ऑफ x बराबर दिया गया है x स्क्वायर, और बेटा x का मान कितना दिया गया है जीरो, x का मान कितना दिया गया है जीरो। अब बेटा सीधी सी बात है,
एक्स का मान जीरो रखेंगे, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ क्या रख दिया मैंने, जीरो। तो सीधी सी बात है, जीरो की स्केयर कितनी होती है, जीरो। आप है ना ऐसे लाइन जरूर रखना, बहुपद पी ऑफ एक्स में चर राशि एक्स का मान क्या रखने पर, जीरो रखने पर यह बहुपद किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है, अतः यह बहुपद का शून्यंक है, अतः जीरो बहुपद का शून्यंक है। इसके बाद देखना बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखना आपका छठा क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और जहां एम एक्स बराबर क्या दिया गया है, माइनस एम बटे में एल। अभी क्या है बताना है कि ये शून्यंक है कि नहीं, तो आप क्या लिखोगे, बहुपद p ऑफ x में चर राशि x का मान माइनस m बटे l रखने पर, और मान रखता हूँ मैं तो p ऑफ क्या आ गया, यहाँ x है वहाँ माइनस m बाई l आ गया, बराबर आपका l इंटू x की जगह क्या आएगा, माइनस m बाई l, और प्लस में क्या है बेटा m, l से l कट गया, l ऐसे भी रख सकते हो, एक ही बात है बेटा, एल से एल कट गया, यहाँ वन आ गया, तो माइनस का एम प्लस एम बराबर किसके आ गया, जीरो के बराबर। अतः बहुपद पी ऑफ एक्स में चर राशि एक्स का मान माइनस एम बटा एल रखने पर यह बहुपद शून्य के बराबर आता है, अतः यह इसका शून्यंक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखना, आपका सातवां क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स बराबर 3x² - 1, जहाँ x की वैल्यू एक तो आपको दी गई है माइनस का 1/√3 और दूसरी दी गई है 2/√3। अब बेटा यहाँ दो मान है, तो सबसे पहले बहुपद p ऑफ x में x चर राशि x का मान -1/3 रखने पर, ऐसे हिंदी में लाइन लिखोगे तो मैं यहाँ मान रखता हूँ p ऑफ माइनस का 1/√3, जहाँ भी x है वहाँ मैंने लिखा माइनस का 1/√3, तो आपका आ गया 3 × -1/√3 के क्या आगे भाई स्केयर माइनस का 1, जहाँ भी x है वहाँ मैंने माइनस का 1/√3 रख लिया। अब बेटा आप देखिएगा कि 3 × −−, घात सम संख्या में आ रहा है तो प्लस हो गया, −−, क्या हो गया प्लस, और √3 को √3 से गुणा किया, रूट क्या हो गया कैंसल, क्योंकि रूट के अंदर एक ही संख्या है, तो यहाँ क्या बच गया बेटा 3, और माइनस का कितना है 1, 3 × 1 = 3, 1 को 1 से गुणा किया 1 − 1 बराबर आ रहा है 0। अतः बहुपद p ऑफ x में चर राशि x का मान −1/√3 रखने पर यह बहुपद शून्य के बराबर आता है, अतः यह इसका शून्यंक है। सेम ही आप क्या रखोगे x का मान भाई 2/√3। अब बेटा 2/√3 मान रखूँगा मैं, तो यहाँ आ गया p ऑफ 2/√3 बराबर 3 × 2/√3, और इसकी क्या चल रही है बेटा स्केयर, और माइनस का क्या है 1। अब जहाँ भी आपका x है वहाँ मैंने 2/√3 रखा। अब बेटा देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, 3 × 2 की स्केयर कितना हो गया 4/√3 × √3, रूट से रूट कैंसिल हो गया, रूट के अंदर एक ही संख्या 3 ही तो है ना, तो क्या बच गया यहाँ 3, और माइनस का कितना है 1, 3 × 3, 4 − 1 मतलब कितना आ रहा है 3, अर्थात p ऑफ 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें आप लिखोगे कि बहुपद का मान 2/√, बहुपद में चर राशि x का मान 2/√3 रखने पर यह x यह 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अतः इसका शून्यंक नहीं है। इसके बाद देखिएगा बेटा आपका अगला प्रश्न ये है, लास्ट वाला प्रश्न है, p ऑफ x बराबर आपको दिया गया है 2x + 1, जहाँ x इज इक्वल टू क्या है 1/2, x इज इक्वल टू क्या है 1/2,
तो बहुपद पी ऑफ एक्स में चर राशि एक्स का मान कितना रखने पर, एक बटा दो रखने पर, एक्स का मान हमने एक बटा दो रखा तो पी ऑफ कितना आ गया, एक बटा दो बराबर दो इंटू में एक बटा दो प्लस वन। अब दो एकम दो, एक एकम एक, एक प्लस एक बराबर कितना आ गया दो, मतलब पी ऑफ वन बाई टू इज बराबर नहीं है किसके, जीरो के, अतः यह इसका शून्यंक नहीं है। अगर बेटा मान होता यहाँ x की जगह माइनस का वन बाई टू तो देखना बेटा p ऑफ x, x की जगह माइनस वन बाई टू की जगह क्या होता भाई, माइनस का वन बाई टू, तो क्या होता बेटा देखना, p ऑफ माइनस का वन बाई टू इंटू में टू इंटू माइनस वन बाई टू प्लस वन, दो एकम दो, एक एकम एक, तो माइनस एक प्लस एक किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। जीरो के बराबर आता है तो इसका शून्यंक है, अदरवाइज शून्यंक नहीं है। अगर यहाँ एक बटा दो है तो इसका शून्यंक नहीं है, और माइनस का एक बटा दो है तो इसका शून्यंक है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न नंबर चार है आपका, चौथा प्रश्न ये है बेटा, चार के मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आप अच्छे से प्रश्न करना उसका, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं दूसरे दिन आते ही वही सॉल्व करवा दूंगा। बट आप बेटा क्लास रेगुलर लेना, और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या वीडियो को आप ना रिपीट करके देखो बार बार, मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ। मुझे भी पता है कि आपको ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, बट आप भी कोशिश करोगे तो बेटा आपको आएगा, 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस काम रूटीन से करना जितना भी है, मैं ज़्यादा काम भी नहीं करवा रहा हूँ आपके लेवल से, आपसे जितना काम घर पे होता है उतना ही काम करवा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं हो रही है अपनी, इसलिए बेटा बस आप रूटीन से, जब तक हमारे विद्यालय नहीं लगे सुचारू रूप से तब तक आप रूटीन से काम करना। अगर आप रूटीन से काम करोगे तो आपकी कमांड अच्छी होगी मैथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, भविष्य में भी दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको रूटीन से काम करना है, रेगुलर काम करना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार आपका क्या है, कि आपको बहुपद दिए गए हैं और उसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। जैसे कि बहुपद दिया गया है और उसका क्या ज्ञात करना है, शून्यंक फाइंड करना है। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस चार, बहुपद का शून्यंक क्या होगा। आपको बहुपद P ऑफ x दिया गया है और बहुपद का क्या निकालना है, शून्यंक। और शून्यंक क्या होता है, बहुपद में चर राशि का मान रखें और मान रखने पर अगर वह जीरो के बराबर आ जाए तो उसका शून्यंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पिछले के एकदम विपरीत है, पिछले में आप मुझे ये बताएं कि P ऑफ x का क्या, यहाँ क्या निकालना है अपने को, शून्यंक निकालना है, तो शून्यंक का मतलब P of x को किसके बराबर लेना पड़ेगा, जीरो के बराबर। तो x प्लस चार किसके बराबर है बेटा, जीरो के बराबर। तो x इज इक्वल टू इधर गया तो ये प्लस से क्या हो गया, माइनस। तो बताइएगा इस बहुपद का शून्यंक क्या है, माइनस का चार, क्योंकि बहुपद अपने को बहुपद दिया गया है और शून्यंक फाइंड करना है तो बहुपद को जीरो के बराबर रख लेंगे। तो P of x बराबर क्या है, x प्लस चार, तो P of x बराबर क्या रखेंगे, जीरो। तो x प्लस चार बराबर जीरो, चार को इधर ले गया तो प्लस से माइनस हो गया। दूसरा देखिएगा बेटा, जैसे मैंने लिखा P of x बराबर है दो एक्स प्लस में तीन, और बेटा आपको इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करना है तो P ऑफ x को किसके बराबर लिया बेटा, जीरो के बराबर लिया, मीन्स आपका 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया भाई, जीरो के इक्वल आ गया। अब देखिएगा 3 को इधर ले आऊं मैं तो 2x किसके इक्वल आ गया, माइनस का 3 बाई टू, इधर गुणा में तो इधर आते ही किस में आ गया, भाग में, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 3 बाई टू। आप जानते हो बेटा इधर प्लस हो तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर गुणा तो इधर भाग, और इधर वाला आपका भाग आता है तो इधर गुणा। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। अब प्लस में था ना, इधर लेके आया माइनस में हो गया, गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में। अब इसमें आप ये वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, जीरो। तीसरा देखिएगा, इसी का मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, ax प्लस b
बहुपद क्या दिया गया है आपको, ax प्लस में b। अब इसके शून्यंक फाइंड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यंक का मतलब p ऑफ x को किसके इक्वल रखना है, जीरो के। ax प्लस b को किसके इक्वल रखना है, जीरो के। ax इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b। x इज इक्वल टू आ गया माइनस b बाई a। ये आपका क्या हो गया, शून्यंक। अब क्वेश्चन नंबर चार की आप प्रैक्टिस करना, जो भी प्रश्न नहीं आई कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको करवाऊंगा। और बेटा अच्छे से मेहनत करना, आज इतना ही कराएंगे। थैंक यू।